नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल। तो हम आपको अभी वन वे स्विच कनेक्शन करके बताने वाले हैं कि इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं। तो आइए, ये इसके लिए हम एक तार ले रहे हैं और एक होल्डर और एक प्लग और एक स्विच लिए ले रहे हैं। तो अब हम इस पे कनेक्शन करने वाले हैं। दोस्तों, होल्डर को इस तरह से हमें फिट कर लेना है। तो होल्डर के वायर को हम अभी लगा रहे हैं। तो होल्डर अब हमारा ये देखिए, इस तरह से हमें खोल लेना है और ऊपर से एक छेद कर लेना है। तो दोस्तों, मैंने छेद कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम इस पे कनेक्शन होल्डर पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये होल्डर पे दो खूंटियाँ होती हैं, तो इस पे हमें कनेक्शन इस तरह से कर लेने हैं। तो मैंने पहली खूंटी पे इस पे एक वायर को लगा दिया है और पेचकस से इसे कस देना है। तो मैंने इसे कस दिया है और दूसरा वायर हमारा दूसरी खूंटी पे मैंने इसे लगा देना है। तो मैं इस पे इस दूसरा वायर भी लगा देता हूँ। तो मैंने इस पे दूसरा वायर भी लगा दिया है और हम इसे ढक्कन बंद कर दे रहे हैं। इसका ढक्कन बंद हो गया है। तो दोस्तों, अब हम इसमें प्लग लगाने वाले हैं, टू पिन टॉप, ये हम इसमें लगाने वाले हैं। तो दोस्तों, इसको मैं अभी खोल रहा हूँ और इसमें लगा रहा हूँ। तो ये मैंने इसमें देखो, दो खूंटियाँ इसमें भी हैं। तो दोनों खूंटियों में ये वायर हमें अलग अलग लगा लेने हैं। तो दोस्तों, मैं पहली खूंटी पे इस वायर को अभी खूंटी पे वायर को कस दे रहा हूँ, अच्छी तरह से कस दे रहा हूँ। और इसी तरह से हमें दूसरी खूंटी पर भी वायर को लगा देना है। वायर लगाने के बाद हमें इस पर भी उसी तरह से कस देना है। तो दोस्तों, इसमें मैंने तार को डाल रहा हूँ, इस वायर को मैंने इसमें खूंटी पे डाल देना है। तो दोस्तों, इसमें वायर मैंने इसी तरह से डाल दिया है और इसको स्क्रू से मैंने इसे कस दिया है, अच्छा तरह से टाइट कर दिया है। तो दोस्तों, ये हमारा टाइट हो चुका है। अब हम इस प्लग को टू पिन टॉप को मैं बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थ्री पिन टॉप हमारा अच्छी तरह से बंद होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इसको थ्री पिन टॉप को इस तरह से कस दे रहा हूँ, बंद कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, प्लग मैंने जो है बंद कर दिया है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है, इसमें जो है स्विच, वन वे स्विच, वाइड स्विच कैसे लगाना है। वाइड स्विच हो या वन वे स्विच बोर्ड वाला हो या कोई भी हो, तो कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, हम इसके लिए यहाँ से एक वायर को काट देंगे। दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहे, एक वायर हम काटेंगे तो भी ये दो वायर हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने काट दिया है और दो वायर हो गए हैं। प्लस वायर को मैंने काट दिया है, लाल वाले वायर को, ब्लैक वाले वायर को मैंने छोड़ दिया है। इसी तरह से दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रहे बिल्कुल, हमें जो है एक ही वायर को काटना है। तो एक वायर को काटने के बाद हम इसको स्विच पे कनेक्शन दे रहे हैं। देखो, तो दो एक वायर काटने से दो हमारे कनेक्शन वायर हो गए हैं। तो ये मैं यहाँ पर दो स्विच पे खूंटियाँ हैं, तो उसमें मैं अभी इसे नट बोल्ट से कस दे रहा हूँ। इस तरह से देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, वायर हमने दोनों इस पर लगा दिए हैं, इस पर बोल्ट दोनों को कस दे रहा हूँ। दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रहे, हमारा वायर एक दूसरे में टच ना हो। टच होगा तो हमारा जो है बल्ब बंद नहीं होगा और हमारा स्विच काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, मैंने इसको अच्छी तरह से यहाँ पे स्विच को लगा दिया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। तो मैं इसे अभी बंद कर दे रहा हूँ और पेच लगा दे रहा हूँ। तो दोस्तों, इसको पेच इसमें मैं लगा दे रहा हूँ, इस तरह से बंद कर लेना है। तो मैं इसमें दोनों स्विच के पेच को लगा दे रहा हूँ, स्विच को लगा दिया है, इस तरह से अच्छी तरह से कस लेना है। तो मैंने स्विच को अब
लगा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, दोस्तों हम इसे टेस्टिंग करने वाले हैं कि हमारा ये स्विच काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैंने इसे बोर्ड में लगा दिया है, देखिए दोस्तों इस तरह से अब हमारा स्विच काम करने लगा है। तो दोस्तों इस तरह से आप भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे को हमारी सारी वीडियो आपको मिलती रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।